नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनी भसीन, कंसल्टेंट ऑर्थोडोंटिस्ट, जबलपुर मध्य प्रदेश से। दोस्तों, मैंने बहुत कॉमनली ये नोटिस किया है कि ब्रेसेस का इलाज करने के पहले एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक है जो कि लोग करते हैं, और इसी मिस्टेक के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहले चल के जानते हैं इन दो मरीजों के बारे में। इनके ओरिजिनल नाम बदल दिए गए हैं, यहाँ पे हमने इनको अलग नाम दिए हैं। एक का नाम है वरुण और दूसरी का नाम है काजल। वरुण ने कुछ समय पहले हमारे साथ वीडियो कंसल्टेशन किया था, और उसकी प्रॉब्लम ये थी कि उसका ब्रेसेस का इलाज कहीं से चल रहा था और वो ट्रीटमेंट से सेटिस्फाइड नहीं था। वरुण से जब पूछा गया तो उसने डिटेल में बताया कि उसके इलाज में जो खर्चा आया है वो लगभग 6-7 हज़ार के बीच में है, और उसने दांत के कलर के ब्रेसेस कहीं से लगवाए हुए हैं। जब वीडियो कंसल्टेशन में मैंने देखा तो उसके दांत इधर उधर भाग रहे थे, बिल्कुल भी लाइन में नहीं थे, और ट्रीटमेंट बिल्कुल सही नहीं चल रहा था। वहीं काजल जो है, उसका ट्रीटमेंट बैंगलोर से चल रहा था, और बैंगलोर से वो जबलपुर आई हुई थी, और किसी डॉक्टर ने उसको बोला कि वो मुझसे एक बार कंसल्ट करे क्योंकि वो अपने ट्रीटमेंट से सेटिस्फाइड नहीं थी। जब मैंने काजल को एग्जामिन किया तो ये पाया कि उसके मुंह में जो ब्रैकेट्स लगे हैं वो बहुत ही जबरदस्त और बहुत अच्छी क्वालिटी के ब्रैकेट्स लगे हुए हैं, और उसने बताया कि उसके ट्रीटमेंट का जो खर्चा है वो लगभग 1 लाख रुपए के करीब है, और उसके बावजूद भी वो सेटिस्फाइड नहीं थी। इस वीडियो के माध्यम से हम चल के जानेंगे कि ये दोनों ही जो एक्सट्रीम केसेस हैं, बिल्कुल ऑपोजिट केसेस हैं, इनने क्या कोई गलती की थी ट्रीटमेंट शुरू करने के पहले, और वो की थी तो वो क्या गलती थी। देखिए, ब्रेसेस के लिए दो बहुत ही अहम चीजें हैं जिनकी रिक्वायरमेंट होती है। तो वो पहली चीज क्या है उसको समझाने के पहले मैं आपको कुछ उदाहरण दूंगा। जैसे कि एक क्लासरूम है, उस क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, टीचर भी सेम ही होता है, सिलेबस भी सेम ही होता है, बुक्स भी सेम ही होती हैं, एग्जाम के टाइम पे उनको समय भी सेम दिया जाता है, आंसर शीट जो है वो भी सेम दी जाती है, लेकिन रिजल्ट्स जो रहते हैं वो सबके अलग अलग आते हैं, परिणाम सबके अलग अलग आते हैं, नंबर सबके अलग अलग आते हैं। उसी प्रकार से यदि आप एक जैसा ही पेपर और एक जैसा ही ब्रश और एक जैसा ही पेंट काफी सारे लोगों को देके बोलें कि चलिए आप इस पे एक पेड़ की ड्राइंग बनाइए, तो उस ड्राइंग में भी सबके परिणाम बिल्कुल अलग अलग आएंगे, जबकि पेपर, ब्रश, पेंट सबने सेम इस्तेमाल किया है। तो इन दोनों ही उदाहरण में जो डिफरेंस था वो था स्किल और नॉलेज का। सारे जो बच्चे इस क्लास में पढ़ रहे थे उनकी स्किल और उनकी नॉलेज में डिफरेंस है, इसलिए उनके रिजल्ट्स अलग अलग आते हैं। पेंटिंग हर एक की अलग अलग हुई क्योंकि किसी का हैंडवर्क पेंटिंग में ज्यादा अच्छा होता है, किसी का हैंडवर्क उतना अच्छा नहीं होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो क्राइटेरिया रहता है ब्रेसेस के ट्रीटमेंट में वो रहता है डॉक्टर का स्किल और नॉलेज, और यही एक अहम वजह है जिसके कारण हर जगह ब्रेसेस का जो रिजल्ट है वो आपको सेम नहीं मिलता। कुछ डॉक्टर्स के यहाँ रिजल्ट्स ज्यादा बेहतर मिलते हैं। आइए चलते हैं और जानते हैं कि वो दूसरी कौन सी चीज है जो कि ब्रेसेस के इलाज के लिए आवश्यक है। देखिए, जिस तरह से हर चार पहिया वाहन समान नहीं होता, कोई ठेला हो सकता है, कोई नैनो कार हो सकती है, कोई स्विफ्ट कार हो सकती है, कोई होंडा सिटी हो सकती है, कोई मर्सिडीज हो सकती है, और कोई रोल्स रॉयस हो सकती है। उसी प्रकार से आप जैसा कि इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, बहुत सारे ब्रेसेस यानी ब्रैकेट्स के सेट आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। ये ब्रेसेस वो ब्रेसेस हैं जो दांतों के ऊपर लगाए जाते हैं, जिनको आप साधारण भाषा में क्लिप्स भी कह सकते हैं। तो ये दांतों के ऊपर जब चिपकाए जाते हैं तो एक हैंडल जैसा वर्क करते हैं, और यही दांतों का मेन एंगुलेशन डिसाइड करते हैं चेहरे के ऊपर। तो इसमें बहुत सी अलग अलग क्वालिटीज आती हैं। ये कुछ क्वालिटीज वो क्वालिटीज हैं जो कि मेरी क्लिनिक में हैं। इसमें कुछ ठीक हैं, कुछ अच्छी हैं, और कुछ बहुत ही जबरदस्त क्वालिटी की हैं। इसके अलावा, ये तो सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है, इसके अलावा कई सौ ब्रैकेट्स रहते हैं जो कि अच्छे भी होते हैं कुछ, और कुछ जो है वो बिल्कुल घटिया लेवल के भी होते हैं ब्रेसेस। तो इसमें जमीन से लेकर आसमान तक की अलग 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 टाइप की क्वालिटीज आपको मिल जाती हैं ब्रेसेस में, और
सब चीजें तो रख पाना पॉसिबल नहीं है, परंतु मैं इतना जानता हूं कि इसमें जो क्वालिटी है ब्रेसेस की वो बहुत ही लोएस्ट लेवल से लेके, जो कि नहीं लगनी चाहिए, वहां से शुरू होती है और फिर बहुत हाईएस्ट लेवल तक ब्रेसेस की क्वालिटी जाती है। तो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि इलाज के लिए जरूरी होती है वो होती है मटेरियल, यानी कि ब्रेसेस की क्वालिटी। अब ये तो मैं आपको बहुत संक्षेप में बता रहा हूं, ब्रेसेस या क्लिप्स के अलावा वायर्स की क्वालिटी, जिस सीमेंट से चिपकाते हैं उसकी क्वालिटी, इम्प्लांट्स की क्वालिटी, बाद में जो रिटेनर्स लगने वाले हैं उसकी क्वालिटी, तो ये सारे मटेरियल्स अलग अलग क्वालिटी में आते हैं और इन पे आपके ब्रेसेस के रिजल्ट्स बहुत हद तक डिपेंड करते हैं कि वो रिजल्ट्स कैसे आएंगे। अब इसको मैं आपको शॉर्ट में या सारांश में समझाता हूं। अगर बहुत सारे डॉक्टर एक ही तरह का ब्रैकेट सेट, एक ही सेम कंपनी का ब्रैकेट सेट यूज करेंगे तो भी उनके रिजल्ट्स में डिफरेंस रहेगा। ये डिफरेंस क्यों रहेगा? क्योंकि सारे डॉक्टर्स का स्किल और नॉलेज डिफरेंट हो सकती है, किसी की ज्यादा बेटर हो सकती है किसी से, और उसी पे रिजल्ट्स जो है वो डिपेंड करते हैं, किसी के रिजल्ट्स किसी से ज्यादा बेहतर हो सकते हैं। उसी प्रकार से यदि एक डॉक्टर सेम टेक्निक फॉलो करते हुए सेम पद्धति से परंतु अलग अलग ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करता है, यानी कि सेम टेक्निक यूज करेगा लेकिन ब्रैकेट सेट्स अलग अलग क्वालिटी के यूज करेगा, तो उसमें भी परिणाम जो है वो अलग अलग आएंगे, क्योंकि हर एक ब्रैकेट का अलग अलग एंगुलेशन होता है, वो अलग अलग दांतों की सेटिंग देता है मुंह में। तो जितना ज्यादा बेटर क्वालिटी का ब्रैकेट होगा उतना ही ज्यादा बेटर एंगुलेशन होगा दांतों का, और उतनी ही ज्यादा अच्छी स्माइल होगी, उतने अच्छे रिजल्ट्स होंगे। तो ये जो है, ये सेकेंड पॉइंट, ये मटेरियल से रिलेटेड हुआ। तो ब्रेसेस के रिजल्ट्स के लिए स्किल और मटेरियल दोनों का ही संतुलन बना रहना बहुत ही जरूरी है। अब बहुत से लोग जो हैं वो गलती कहाँ पे करते हैं, वो ब्रेसेस के ट्रीटमेंट को एक प्रोडक्ट जैसा समझते हैं। मतलब कि ब्रेसेस का जो इलाज अगर शुरू करना है तो उसको ऐसा समझते हैं कि जैसे एक फोन खरीद रहे हैं या एक प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। तो वो चार जगह जाके ये पूछेंगे, भैया सैमसंग का नोट 10 प्लस कितने का है, सैमसंग का नोट 10 प्लस कितने का है, सैमसंग का नोट 10 प्लस कितने का है, मतलब ये ब्रेसेस कितने के हैं, ब्रेसेस कितने के हैं, ब्रेसेस कितने के हैं। मोबाइल या कोई भी प्रोडक्ट जो होता है वो कंपनी ऑलरेडी बना चुकी है और हर दुकान में वही सेम चीज सप्लाई हो जाती है, लेकिन ब्रेसेस का जो इलाज है वो एक प्रोडक्ट रिलेटेड नहीं है, वो एक सर्विस रिलेटेड चीज है। मतलब उसमें पहले स्किल और मटेरियल दोनों लगता है, 1.5-2 साल के लिए काम किया जाता है, वो काम कैसे हो रहा है उस पर डिपेंड करेगा कि आपको रिजल्ट्स कैसे मिलेंगे। तो ये सर्विस बेस्ड कंसेप्ट है ब्रेसेस के ट्रीटमेंट का, ना कि प्रोडक्ट बेस्ड। इसकी इंपॉर्टेंस इतनी है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। मैं अपने ब्रेसेस के पेशेंट्स को, जिनमें मुझे नए ब्रैकेट्स लगाने होते हैं, मैं उनको मॉर्निंग का फर्स्ट अपॉइंटमेंट देता हूं और इवनिंग का फर्स्ट अपॉइंटमेंट देता हूं। उनको बीच में नहीं बुलाता या रात में नहीं बुलाता, क्योंकि जब मैं फर्स्ट अपॉइंटमेंट में फ्रेश माइंड में रहता हूं तो मैं सबसे बेस्ट ब्रैकेट प्लेसमेंट करता हूँ, सबसे बेस्ट ब्रेसेस लगाता हूँ। बीच में करूंगा तो मेरी एफिशिएंसी थोड़ी सी कम हो जाएगी, हो सकता है कि मैं उतना एक्यूरेटली ना लगा पाऊँ। इसलिए मैं सबसे पहला अपॉइंटमेंट ब्रेसेस के पेशेंट्स को देता हूँ, क्योंकि उसमें स्किल और एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब चलते हैं और जानते हैं कि वरुण और काजल से कहाँ पे गलती हुई। देखिए, वरुण ने क्या गलती की? वरुण ने सबसे चीपेस्ट यानी कि सबसे सस्ता इलाज ढूंढने की गलती की, और उसने ये भी नहीं पता किया कि भाई कौन से ब्रेसेस लगने चाहिए, किससे लगवाना चाहिए। उसने बस ये देखा कि यहाँ पे सबसे सस्ता लग रहा है तो उसने वो जाके लगवा लिया। तो वरुण के केस में स्किल और मटेरियल दोनों की ही कमी रह गई, जिसके कारण वो रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं है। वहीं काजल ने ये गलती की कि उसने भी ब्रेसेस के ट्रीटमेंट को एक प्रोडक्ट जैसा समझा कि जितना महंगा होगा उतना अच्छा होगा। तो उसने मटेरियल तो बहुत ही अच्छा चूज किया, लेकिन स्किल जो है, जो डॉक्टर का स्किल था वो लैकिंग था, वो उतना नहीं था कि वो उसको एक्यूरेटली अच्छे से इस्तेमाल कर पाए। तो इसका सारांश ये है
कि अगर ऑपरेटर स्किलफुल नहीं है तो कितना भी अच्छा मटेरियल यूज कर लें, रिजल्ट्स कॉम्प्रोमाइज रहेंगे। और यदि आप मटेरियल्स में कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो डॉक्टर का स्किल भी ज्यादा काम नहीं आएगा। दोनों का संतुलन होना बहुत ही आवश्यक है। अंत में जाते जाते कुछ आपको टिप्स दूंगा मैं। यदि आप ब्रेसेस का ट्रीटमेंट शुरू करा रहे हैं तो अपने डॉक्टर से बात करें, अपने डॉक्टर को पहचानें, उनकी डिग्री क्या है, प्रेफरेबली MDS ऑर्थोडोंटिक्स हो तो बेस्ट रहता है। दूसरा, एक आध दो केसेस ना देखें, कम से कम 15-20 केसेस देखें, उनके जो फिनिश केसेस हैं, जो पहले और बाद के हैं, ताकि आपको पता चले कि कंसिस्टेंटली वो अच्छे केसेस दे रहे हैं। खासकर आप ये भी उनसे पूछ सकते हैं कि उन जैसा कि आपको प्रॉब्लम है उस टाइप के कुछ केसेस हैं क्या उनके पास में। तीसरी चीज, उनको आप पर्सनली थोड़ा सा असेस करने की कोशिश करें, माइंडसेट जानने की कोशिश करें डॉक्टर का, कि हड़बड़ी में अभी तुरंत इलाज शुरू करने में वो इंटरेस्टेड हैं या फिर आपको अच्छे रिजल्ट्स देने में इंटरेस्टेड हैं। तो ये सब आपको पर्सनली थोड़ा सा असेस करना आना चाहिए। दूसरी चीज है कि आप जो भी मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं उसको भी आप पहचानें। हालांकि इसमें आपका ज्यादा रोल कॉल नहीं रहता, और इतने मटेरियल्स की क्वालिटी है उसमें, कई सारे अच्छे भी हैं और उससे 10 गुना ज्यादा बेकार मटेरियल्स भी आते हैं। तो मैं नाम किसी कंपनी का लेके किसी लीगल कॉम्प्लिकेशन में नहीं फंसना चाहूंगा। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मेरा फेवरेट मटेरियल मैं आपको बताऊं तो आप कमेंट में हमको लिख के भेजें, मैं वहां पे आपको जरूर जवाब दूंगा। तीसरी चीज, अपनी एक्सपेक्टेशंस डॉक्टर से जरूर डिस्कस करें। आपको क्लियरली अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए कि हमारी ये एक्सपेक्टेशंस हैं और क्या इस इलाज के माध्यम से ये एक्सपेक्टेशंस पूरी हो पाएंगी। यदि आपको कोई भी डाउट लगता है कि एक्सट्रैक्शंस होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, या फिर इलाज की कोई पद्धति आपको समझ में नहीं आ रही है, तो आप सेकंड ओपिनियन अपनी सिटी में जरूर ले सकते हैं। आप चाहें तो हमारे साथ भी वीडियो कंसल्टेशन के माध्यम से एक सेकंड ओपिनियन जरूर ले सकते हैं। उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में हमें लिख के भेजें तो हम वहां पे आपको एक लिंक सेंड करेंगे जिससे कि आप हमसे वीडियो कंसल्टेशन कर सकते हैं। ट्रीटमेंट की कॉस्ट जो है वो इम्पॉर्टेंट फैक्टर जरूर है, पर उसको स्टार्टिंग क्राइटेरिया और पहला फैक्टर बिल्कुल मत बनाएं। इलाज एक ही बार करा रहे हैं, यदि इलाज ही ढंग से नहीं हुआ तो कम पैसा और ज्यादा पैसा सब बराबर हो जाता है। तो आप कॉस्ट फैक्टर को लास्ट में रखें। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करें कि आपको जो रिजल्ट्स मिल रहे हैं वो अच्छे से अच्छे मिल पाए। तो आपको रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच रखनी चाहिए, ना कि मनी ओरिएंटेड अप्रोच, कि सबसे सस्ता कहाँ हो रहा है वहां चले जाएं। रिजल्ट्स पे ध्यान दें, क्योंकि रिजल्ट्स एक बार आ जाएंगे तो थोड़ा कम पैसा थोड़ा ज्यादा पैसा मैटर नहीं करेगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।